नमस्कार दर्शकों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई में बांद्रा स्थित अपने आवास पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार उन्होंने डिप्रेशन के चलते ये कदम उठाया। फिल्म MS धोनी के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने अपने बांद्रा स्थित घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। सुशांत के आत्महत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वे पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। सुशांत के नौकर ने पुलिस को उनके आत्महत्या की जानकारी दी। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर सुशांत के नौकर और उनके पड़ोसियों से पूछताछ की। उनके इस कदम से बॉलीवुड सदमे में है। कई कलाकारों ने उनके निधन पर दुख जताया है। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआती तौर पर आत्महत्या की बात सामने आई है। वहीं डॉक्टरों ने उनके ऑर्गन्स को जांच के लिए JJ अस्पताल भेज दिया है। यहां जांच की जाएगी कि उनके ऑर्गन्स में किसी तरह का जहर या ड्रग्स तो नहीं है। मामले की जांच कर रहे मुंबई पुलिस जोन 9 DCP अभिषेक त्रिमुखी ने कहा कि उन्हें सुशांत के कमरे से कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सुशांत के करियर की शुरुआत बैकअप डांसर के रूप में हुई थी और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी कई बार डांस किया है। वहीं पर उनको सबसे पहले बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने नोटिस किया, जिसके बाद उनके करियर की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल से हुई, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। लेकिन GTV का शो पवित्र रिश्ता उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद वे डांस रियलिटी शो जरा नचके दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में दिखाई दिए। और इसके बाद सुशांत ने फिल्मों का रुख कर लिया और काईपोचे फिल्म से अपना फिल्मी सफर शुरू किया। चलिए अब आपको बता दें कि सुसाइड से पहले आखिर कैसे बीते थे सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी 24 घंटे। सुशांत के कमरे से कुछ दवाइयां और पेपर्स मिले हैं। इनके जरिए पता चलता है कि सुशांत पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अपने पीछे कई सवाल छोड़कर गए सुशांत के मौत से पहले 24 घंटे कैसे बीते होंगे। जब उन्होंने ये कदम उठाया उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये तमाम सवाल आज हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात में 12 बजे के बाद सुशांत ने अपने दोस्त और एक्टर को कॉल किया था, लेकिन दोस्त ने उनका फोन नहीं उठाया। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून सुबह 6:30 बजे उठे थे। सुबह 9:30 बजे उन्होंने अपनी बहन से फोन पर बात की। इसके बाद सुशांत ने अपने दोस्त को भी फोन किया। करीब 10:30 बजे सुशांत अपने कमरे से निकले और जूस लिया और वापस कमरे में लौट गए। कुछ देर बाद जब नौकर लंच पूछने गया तो कमरा बंद था और वो दरवाजे को खोल नहीं रहे थे। साथ रहने वाले दोस्तों और नौकरों ने सुशांत को फोन भी किया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। इस पर सब घबरा गए। इसके बाद सुशांत की बहन को फोन किया गया। बहन ने सुशांत को कॉल्स की, लेकिन उनका फोन भी नहीं उठाया गया। इसके कुछ समय बाद बहन भी सुशांत के घर पहुंच गई। 12:30 बजे कमरा खुलवाने की कोशिश की गई। कमरा नहीं खुलने पर चाबी बनाने वाले को बुलाया गया। चाबी वाले ने लॉक खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुशांत की बहन, उनके साथ रहने वाला आर्ट डिजाइनर दोस्त और उनके नौकर ने सुशांत को अपने कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता देखा। इसी दौरान लोकल डॉक्टर को बुलाया गया। उनके साथ काम करने वाले एक नौकर ने पुलिस को कॉल किया। तब तक सुशांत की बहन और दोस्तों ने सुशांत की लाश को उतारकर बिस्तर पर रख लिया था। पुलिस ने आकर जांच शुरू की, जिसमें पाया गया कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे। डॉक्टर्स को बुलाकर उनके शव की जांच करवाई गई और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद उनके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुशांत की बॉडी के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में सुशांत के परिजन उनकी मौत पर शक जता रहे हैं। सुशांत के कमरे से कई चीजों को फोरेंसिक जांच के लिए ले जाया गया है। फिलहाल रिपोर्ट में जहर या किसी अन्य चीज का जिक्र नहीं है।